उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि गोरखपुर की सीट को लंबे समय से योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधित्व करते थे और फूलपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साल 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीतकर सांसद बने थे। अब दोनों सीटों पर उपचुनाव में भाजपा क्यों हार गई है, हरियाणा के जाने माने पत्रकार दीप कमल सहारण का सबसे सटीक विश्लेषण देखिए। हेलो फ्रेंड्स, जो आज 3 बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, उसमें जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर देशभर में चर्चा है कि आखिर बीजेपी के प्रति देश में माहौल है क्या। एक तरफ जहां वो त्रिपुरा जैसा नया राज्य जीत लेती है, वहीं अपने मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोकसभा सीट हार जाती है, उपचुनाव लगभग सारे हार रही है। क्या कारण क्या है, माहौल असल में है क्या, बीजेपी के पक्ष में है या विपक्ष में है देश में माहौल, इस पर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है और उसका निचोड़ ये कहता है कि जहां जहां पर बीजेपी पहले नहीं है वहां पर बीजेपी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस मजबूत है वहां पर बीजेपी को शानदार कामयाबी मिल रही है। लेकिन जहां जहां बीजेपी पहले से पावर में है और उसके पावर में होते हुए चुनाव हो रहा है वहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ऐसा करीब करीब सभी राज्यों में हुआ है जहां पर बीजेपी की सरकार थी और वहां पर चुनाव होने पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये एक छोटा सा आंकलन है जो आप देख सकते हैं, ये वो राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन सभी जगह पर बीजेपी की सीटें पहले से घटी है। यही वो राज्य हैं बस जहां पर बीजेपी की सरकार थी और वहां पर चुनाव हुए हैं 2014 के बाद। गुजरात में सीटें घट गई, 115 से 99 रह गई, गोवा में 21 से 13 रह गई, पंजाब में अकाली दल के साथ सरकार थी 12 से बीजेपी की सीटें 3 रह गई, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी की सरकार थी वहां पर 91 से 53 सीटें रह गई। एक अपवाद है वो झारखंड के रूप में है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की मिलीजुली सरकार थी, वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ी है यहां पर भी। लेकिन खास बात यह है कि सीएम जो था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, उस वक्त बीजेपी का सीएम नहीं था। और जो उपचुनाव का जो जिक्र है उसमें ये स्थिति है कि इससे पहले बीजेपी जो है वो जहां पर बीजेपी की सरकार है राजस्थान वहां पर अलवर और अजमेर के उपचुनाव हार चुकी है, मध्य प्रदेश में रतलाम का चुनाव हार चुकी है वहां पर उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार जो है वो अभी अमरिंदर सिंह की है, लेकिन गुरदासपुर जहां पर उनके सिटिंग एमपी थे जिनकी डेथ हो गई थी विनोद खन्ना जी की, उसके बाद बीजेपी ने वो सीट हार दी। और अमृतसर जहां पर कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया था वो भी लोकसभा का चुनाव हार गई। आगे जो चुनाव होने हैं वहां पर भी बीजेपी नहीं जीतने वाली है। और ये जो स्थिति है जो आज के 3 नतीजों वाली है वो इसी का एक निचोड़ है कि जहां जहां बीजेपी पहले से है, जहां उनकी सरकार है वहां पर बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, यानी कि बीजेपी का नशा जहां पर कांग्रेस है खासतौर से वहां पर चिढ़ चढ़कर बोल रहा है और जहां बीजेपी ऑलरेडी है वहां पर वो बहुत जल्दी लोगों के दिल से उतर रही है। ये छोटा सा विश्लेषण था, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।